जिहड़ा इन्हें वादा किया गुटका चक्या कि भी मैं पंजाब च माफिया खत्म कर दूँ कर लग गया। 3.5 साल हो गए अजे तक तो कुछ होया नहीं, बढ़ रहा काम। ये तो अगर अकालिया का माफिया से राज असी कहें थे, आप ही कहें थे कि मैं 2-3 हफ्तों लक तोड़ दूँगा, माफिया खत्म कर दूंगा, माफिया फड़ के अंदर दे दूंगा। किहड़ा बंदा फड़िया? वो फड़िया वो अजे भी एक बंदा नहीं नेम आया भी ये प्लांट का मालिक आना है, ये रॉ मटीरियल कितों लियांदे रहे, शराब बनाउण लई बॉटलिंग कितों आ गई, लेवल कितों आए, ये कोई भी नहीं पकड़िया। ये जिहड़ा काम है खन्ने च होया लोकल एस एच ओ डी एस पी उत्थे उस एरिए दा उस समय दा एस एस पी और उत्थे दे लीडर खन्ने जिले दे इनवाल्व, उन्हां दी इनवाल्वमेंट तो बिना प्रोटेक्शन तो बिना ये डिस्टरियां किवें चल समगलिंग किवें हो सकती है? करिंदे फड़े गए नहीं या जिहड़े लोग पेश किए गए नहीं इस मामलों के सिर्फ लोगों दी अखां दे विच कट्टा पाने का काम होया। कैप्टन साहब ने आप मनिया कि मैनू पता है, जे पता है फिर क्यों नहीं एक्सपोज करते लोगों से लंगा कटने लू, चाहे वह चाहे कांग्रेस के ने चाहे अकाली है चाहे कोई है, पर हिस्सेदारी सब की सांझी है, इस कोई शक नहीं है, रले मिले ने। कैप्टन साहब वालों एक कैबिनेट मंत्री की निगरानी हेठ सिट बनाई गई है, पर जोड़ा चेयरमैन है वह तो आप शराब का धंधा करता रहा। कौन जोड़ा भी चेयरमैन बनाया गया वो आप मैं उस इलाके पता है शराब का धंधा कौन करता है सबनों पता है। चिट्ठीए नहीं चिट्ठीए हंजुआ ना लिखिए, आखी मेरे सोहने पुत नू, तेरी माँ का चन्ना है बुरा हाल, आखी मेरे सोहने पुत नू। द खबरसार चैनल देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है, मैं हाँ तुहाडे नाल ठाकुर अमनदीप सिंह। एक गीतकार दियाँ यह सत्रा पंजाबी माँ धरती दे बिल्कुल सही बैठदियां ने, ते अज इंज जापदा है कि पंजाबी माँ धरती अपने पुत्तां नू आवाज़ दे रही है, ते कुछ पंजाबी पुत जो ने वह चिट्ठियां भी लिख रहे ने, चाहे वह प्रताप सिंह बाजवा हो। एक होर चिट्ठी लिखी गई है मुख्यमंत्री पंजाब नू शमशेर सिंह दुलों वालों, साढ़े नाल इस वेले मौजूद ने शमशेर सिंह दुलों साहब, गलबात करांगे। सब तो पहला सर स्वागत है द खबरसार दे। थैंक यू जी। सर एक चिट्ठी तुहाडे वालों लिखी गई है, सब तो पहला मैं चिट्ठी ते आवांगा, चिट्ठी किस बारे है? किस पंजाब दे विच जिहड़ियां इलीगल अनलाइसेंस्ड जिहड़ियां डिस्टिलरियां पकड़ियां गईयां ने जी, उहदे च जिहड़े मेन आदमी ने जिन्हां दी जेब च पैसा जा रहा है जाया करोड़ां रुपया, उहनां नूं पुलिस ने नहीं पकड़िया अजे तक। ये एडे एडे बड़े प्लांट डिस्टिलरी लगनी, उन्हों लगाउण च प्लांट कितों खरीदया लाया जगह लई बिल्डिंग बनी कनैक्शन लाए, ये कौन लोग ने जिहड़े पुलिस ने दिखाए ने पेश किए ने? तो आम सधारण लोग ने, उन्हां दी कपैसिटी नहीं है प्लांट लाउण दी। ये जिहड़े इलीगल एडा बड़ा कारोबार होया डिस्टिलरियां गैर कानूनी लगियां खन्ने च फड़े गए, एस एस पी साहब आए नवे हरप्रीत सिंह चंगी आ गुड़बेला भी उन्होंने पकड़े, ये उहदे बाद पटियाले च दो पकड़ियां, लुधियाने च रजूर उसे पकड़ी, फगवाड़ा 5-6 जगह तो पकड़ियां, जिहड़ियां कानूनी तौर ते लाइसेंस ने वह डिस्टिलरियां हो रहा है, ये तो गैर कानूनी ने, इत्थे पकड़ियां गईयां ने। वह अजे भी एक बंदा नहीं नेम आया भी ये प्लांट का मालिक कौन है, ये रॉ मटीरियल कितों लियांदे रहे, शराब बनाउण लई बॉटलिंग कितों आ गई, लेवल कितों आए, ये कोई भी नहीं पकड़िया, जमें चुप है। एक करिंदे जिहड़े ने जिहड़े इन्हां दे घरां दी देख रेख करदे ने, हैं जी हाउस दे केयर टेकर आ, कहीं तां उह पेश कराते जिहड़े फैमिलियां दे नाल। ये जिहड़ा काम है खन्ने च होया लोकल एस एच ओ डी एस पी उत्थे उस एरिए दा उस समय दा एस एस पी और उत्थे दे लीडर खन्ने जिले दे इनवाल्व, उन्हां दी इनवाल्वमेंट तो बिना प्रोटेक्शन तो बिना ये डिस्टरियां किवें चल समगलिंग किवें हो सकती है? उन्हां बारे कोई जिक्र नहीं, कोई किसी ने नहीं उन्हां नूं। सर इहदा मतलब पटियाले विच भी जो जिला पटियाले विच भी दो फड़ियां गईयां ने, तां उत्थे किस दी तूती बोलदी है सारे जाणदे ने कि उन्हां दा भी हत्थ विच हैगा? मैं कहना बिना नैक्सस है पुलिस दा ते उहदा, क्योंकि पुलिस भी डायरैक्टली इनडायरैक्टली उन्हां दे भी हिस्से ने, अफसरां दे भी हिस्से ने,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਿਸੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਐਸ ਐਚ ਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਛਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਦੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੈਕਸਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਇਹ ਪੈਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੈਕਸਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਗਵਾੜੇ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਜੂਲ ਚੱਲ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਖੰਨੇ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਿੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਵਿਚਾਰੇ ਸਧਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ ਆ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਨੇ ਉਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਸੌਦਾ ਉਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਊ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਟਕਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰ, ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਆ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਘਰ ਘਰ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣੇ ਪੈਸੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਮਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਹੜੀ ਤੋੜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬੋਤਲ ਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਓਗੇ, ਸੈਸ ਲਾਓਗੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਇੰਨੇ ਪਰ 25 ml ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਵਿਕਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਓਗੇ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਵਿਕੂ। ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਲੋਕ 5.5 ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਕਿਉਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਜੀ 20 ਪੇਟੀਆਂ ਫੜ ਲਈਆਂ, ਆਹ 10 ਪੇਟੀਆਂ, ਆਹ ਲਾਹਣ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਬਈ? ਜਦ ਇਹ ਕੁਛ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਛ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਫੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿੱਟ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂਚ, ਬਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਸਿੱਟਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ? ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਣੇ, ਚਾਹੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪ, ਮੈਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਮ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੇ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨੰਗਾ ਕਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆ, ਪਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਈ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ 5600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿਤੇ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਲਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਉਹ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਪਲਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ?
देखो कपड़ा चोरी तो चोरी होंगी है जी, चाहे 100 रुपये की है, लखा की है, करोड़ों की है जी। ये कोई मन में लगती नहीं भी कैप्टन साहब कहें घाटा घट होया जी, होया तो होया बिल्कुल, चूना तो लगे रेवीन्यू। एक पासे तुसी मोदी तो पैसे मंगते हो, इतने चूना लगता, उन्होंने तो रोकते नहीं, तुसी मोदी नूं लिख लिख भेजते हो कि सानू पंजाब नूं हैल्प चाहिए है, असी भी चाहते हैं कि हैल्प दवे पंजाब नूं, मोदी दवे, पर इतने ये रोकण तो सी चोर बाजारी नूं, ये समगलिंग नूं रोकण, चोर बाजारी करप्शन नूं रोकण, की गल्लां करिए, जो कुछ हो रहा पंजाब च जो हालात चल रहे इस वे उस हिसाब अगे तस्वीर किसी तस्वीर देखो इलेक्शन का माहौल बना पैंदा जी, कैप्टन साहब माहौल तो बना, ये अकालिया का माफिया राज कि मैं 2-3 हफ्तों च लक तोड़ दूँ, माफिया खत्म कर दूंगा, माफिया फड़ के अंदर दे दूंगा, किहड़ा बंदा फड़िया को फड़िया, माहौल बनाने लई जे भाई च आना है वह माहौल बनाना पऊगा, लोग पुछणगे सानू भी पुछदे ने, असी तां पिट रहे हैं क्योंकि असी कपड़ा असी दल बदलू तो है नहीं, पार्टियां बदल के तो आए नहीं कांग्रेस, असी तो जमा अंदरू है, मैं फाउंडर मैंबर हाँ कांग्रेस का, इंदिरा कांग्रेस का फाउंडर मैंबर है जी, 77 च मैं दिल्ली जाके ज्वाइन किया एज म्यूनसिपल प्रेजिडेंट। सर दुख होंदा जो तुसी ये तस्वीर देखते हो कांग्रेस की, ये हालात देखते हो? नहीं सवाल है सुन, जे सुनते नहीं तो ही थोड़े तक आए हैं, लिखे है टाइम नहीं देंगे, लिख के भेजे दिल्ली वालों भी लिखे है, कहा भी है मिल के उन्होंने, कहते रहने हैं ये मजबूरी है, ये रब जानता है, किसी होर दा राह पदरा तो नहीं कर रहे? ये नहीं मैं कह सकता, राह लोक राज है, लोक राज दे विच ए, 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 ए पार्टी ने देखना होंदा, पर पार्टी दे विच पार्टी दा कल्चर जिहड़ा माफ करना वो बदल चुके, प्रोफेशन हो गया, सेवा करने की बजाय प्रोफेशनल लोग माफिया लोग पार्टिया च आ गए, वो करके नकारा, लोगों को सोचना पड़ेगा, ये लोग भी जिम्मेवार होंगे आने वाले समय की, पर मैं लगता पंजाब के लोग सियाने ने, उन्हों का फैसला सही होगा। मुख्यमंत्री साहब ने जो MP MLA की मीटिंग बुलाइया, एक 17 च बुलाई थी, एक जनवरी च बुलाई थी, उत्थे भी मैं इशू रेज किया, ये तो अलावा होर इशू भी रेज किए थे, उन्होंने तां भी नहीं सुनिया, सुन लिया कोई एक्शन नहीं, जदों ये कहें भी मैनू माफिया का पता है, मैनू बंदियां का पता है, जे पता है फिर क्यों नहीं भाई एक्सपोज कर दे, लोगों तो क्रैडिट लैन, वाह वाह खटल भी कैप्टन ने भी अपने बंदे भी नहीं बख्शे, वाह वाह खटन वह बिल्कुल। पहला 2 बार मीटिंग के भी दसया गया शमशेर सिंह दुल्लो होना वालों, पर फिर भी गलू अणगौलिया किया गया, पर हूँ लोगों को चाहिए कि वो अपनी मत ध्यान नाल देन, क्योंकि मतदान करन जाने असीं 5 साल के बाद, तो उस तो बाद असीं भुगतते हाँ अपन गलतियां नूं, ते पर जेकर हुण अपने ही विधायकों दियां वजीरां दियां या मैंबर पार्लीमेंट साहिबाना दियां गल्लां नूं मुख्यमंत्री साहब नहीं सुन रहे तो आम लोगों का की हाल होगा, तुसीं उह सोच सकते हो। उम्मीद है कि कैप्टन साहब जो रहिंदा समां है वह अपने जो वादे किए थे उन्हां वल भी थोड़ा बहुत गौर करनगे, ते गौर करनगे पंजाब दे लोकां वल। कैमरा परसन मनोज दे नाल ठाकुर अमनदीप सिंह, द खबर 4, चंडीगढ़।